स्वागत है दोस्तों हमारे नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम जानेंगे द्वारका ट्रिप के बारे में, कब जाएं, कैसे जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं और कितना खर्चा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों नंबर वन शुरू करते हैं, कब जाएं। तो बता दें दोस्तों, फरवरी और मार्च का महीना सबसे बेस्ट होता है द्वारका ट्रिप के लिए। नंबर दो दोस्तों, अब हम बताएंगे कि कैसे आएँ। वो द्वारका आने के लिए सबसे बेस्ट जो साधन है वो है ट्रेन। ट्रेन से आप डायरेक्ट द्वारका आ सकते हैं। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं या वाराणसी से आ रहे हैं, कोई भी अगर वैसे सिटी से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे ट्रेन द्वारका के लिए। तो आप यहाँ द्वारका आ सकते हैं। फ्लाइट भी अवेलेबल है, आप चाहें तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको राजकोट उतरना होगा। और राजकोट उतरने के बाद आप वहाँ से बस पकड़ के द्वारका आ सकते हैं। नंबर थ्री, और आपको बता दें कितने दिनों के लिए आए। दोस्तों मैं बता दूं, एक नाइट यहाँ पे इनफ होता है। पर आप, वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेन कब छोड़ेगी यहाँ पे लाके। अगर आप सुबह में आ जाते हैं द्वारका तो उस दिन आप द्वारका आराम से घूमिए, फिर रात को स्टे कीजिए वहाँ पे, फिर सुबह में आप निकल जाइए भेड़ द्वारका के लिए जो 25-30 किलोमीटर के अराउंड में है, वहाँ जाके आप घूम के आइए। तो दो दिन चाहिए, दिन दिन तो आप इजीली घूम सकते हैं, दो दिन एनफ है। नंबर फोर, अब जानेंगे टोटल खर्चे के बारे में, द्वारका ट्रिप का टोटल खर्चा क्या होगा। तो दोस्तों द्वारका आने के लिए उतना बहुत ज़्यादा हेवी खर्चा नहीं है। इसमें सबसे मोटा खर्चा जो आएगा वो आएगा आपका स्टे का, वो भी 1500 में। आप booking.com पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 1500 में इजीली रूम मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे आके ऑफलाइन पता करते हैं तो 400-500 में भी वहाँ पे रूम मिल जाएंगे इजीली। तो यही है, 1500 फ्री मान के चलिए आप। और ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे ऑटो का चार्ज, स्टेशन से आएंगे आप द्वारका के लिए तो वही 20-30 रुपये लगेगा, 50 रुपये मैक्सिमम मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और फिर आप जो जाएंगे भेड़ द्वारका के लिए, तो अगर आप रोडवेज प्रेफर करते हैं तो आपको अराउंड 40-50 रुपये या 60 रुपये के लगभग में आप आराम से भेड़ द्वारका जा सकते हैं। अप डाउन आप उसको मैक्सिमम आप ले सकते हैं 150-200, इससे ज़्यादा आप नहीं लगेगा। हाँ, कुछ टिकट दर हैं जो भेड़ द्वारका में जाएंगे जो बोट से लेके जाते हैं, वो भी 20-30 रुपये लेते हैं। ये हैं। और इधर सुदामा सेतु जब आएंगे तो वहाँ पे भी 10 रुपये का टिकट लगता है। तो सब मिला जुला के आपको 500-600 रुपया एनफ है। अगर रोडवेज से आप बस से जाते हैं भेड़ द्वारका के लिए तो 500-600 रुपये एनफ है ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप कोई गाड़ी बुक करके जाते हैं पर्सनली तो ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग रोडवेज से आइए, क्योंकि मैं तो रोडवेज से ही गया था। और दोस्तों बता दें, अगर फूड की बात करें तो फूड में आपको 100-150 रुपये में इजीली आपको अच्छा खासा फूड मिल जाएगा खाने के लिए। एक नंबर का जो खाना बोला जाता है वो 150-200 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप फूड में टोटल आप खर्चा करेंगे दो दिन में नाश्ता चाय सब लेके, तो 800-1000 रुपये इनफ है यहाँ आने के लिए। और इसके बाद से दोस्तों टोटल खर्चा अगर आप 3000-3500 लेके आते हैं तो हमारे ख्याल से द्वारका ट्रिप बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप सोलो ट्रेवलर हैं, एनफ है, 3000-3500 बच ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।